माय न्यू ब्लॉग। तो हम आ गए हैं अपने स्कूल और आज है हमारी पीटीएम और यहाँ आप देख रहे हो ना रितिका मैम। हाय। तो आज रितिका मैम और मैं दोनों हम साथ साथ पीटीएम ले रहे हैं। मैम लेंगी प्री नर्सरी की पीटीएम और मैं लूँगी प्ले की पीटीएम और हम लोग अपने बोर्ड पे वेलकम पेरेंट्स और एक थॉट लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन भी बैकग्राउंड में चाहिए ना। बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं रख सकते, डेकोरेशन भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपना पूरा सेटअप कर लिया है अच्छी तरह से। अभी थोड़ा सा और करना बाकी है। 9 बजे से स्टार्ट हो रही है और बच्चों को मिलने वाली है आज ट्रॉफी। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे हम उनको ट्रॉफी दे रहे हैं। जितनी भी क्लासेस में बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनको ये ट्रॉफी मिलेगी। और फिलहाल अभी तो हमारी पीटीएम 9 बजे से है, अभी बस 15-20 मिनट है स्टार्ट होने में। उसके बाद पेरेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और जब हम फ्री हो जाएंगे ना रितिका मैम तब हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे की डेकोरेशन की भी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे और बाकी टीचर से भी आपको मिलवाएंगे क्योंकि सब लोग यहीं पर ही हैं बिल्डिंग में। ये हमारी सीनियर विंग की बिल्डिंग है और नीचे हॉल में सारे हैं, बाकी सब अपनी क्लासेस में हैं। तो फिलहाल अभी हम जल्दी से ये रेडी कर लेते हैं, यहाँ पर भी अपना ठीक ठाक कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो घर आ गई हूँ मैं और बिल्कुल अभी घर आई हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और पता है एक चीज़ और मैंने अभी आके देखी, अगर वो मुझे दिख रहा है तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अभी जैसे ही मैं घर आई ना तो मैंने क्या देखा वो देखो, वो दिख रहा है आपको, ये रहा बच्चा उसमें से कैसे झांक रहा है। अब थोड़ा सा आप दिखाई दे जाएगा। अंदर से ही झांक रहा है और ये ना वाइट है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा है। एक और है, मतलब दो और है अंदर। अब धीरे धीरे करके ये अंदर से बाहर आना स्टार्ट होंगे, अभी तो झांक ही रहा है फिलहाल। तो बहुत प्यारा लग रहा है, अपना सर रखा हुआ है उसने। तो आते ही सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये बैठा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो बस अभी अभी मैं आई हूँ तो ज़रा अब चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है बैठे बैठे और गला एकदम सूख रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा पेरेंट्स के साथ बोलना पड़ता है ना। बाकी बातें मैं बाद में करूँगी, फिलहाल अभी मैं पहले फटाफट से अपने कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना भी खा लिया है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और आराम से अब मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, लेट जाती हूँ। मेरी आँखें कितनी काली काली हो रही है। अच्छा, तो आज का दिन तो अच्छा रहा फिलहाल, तो मतलब पीटीएम थी तो इसलिए पेरेंट्स एकदम आए, मतलब एकदम से ऐसे है ना हॉचपॉच सी हो गई एकदम। उनके रितिका मैम के भी बच्चों के पेरेंट्स और मेरी क्लास के भी और जो न्यू स्टूडेंट थे उनकी भी वो भी आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी, वीडियो बनाना तो मैं भूली गई बिल्कुल भी सही में। हमने सोचा था कि पेरेंट्स जब बैठे होंगे तभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसे एकदम पेरेंट्स इतने सारे आए कि वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। ऊपर से है ना फोटोग्राफ देनी थी, ग्रुप फोटो, और उनके पैसे भी लेने थे, तो वो सारा मतलब ध्यान भी रखना था। तो इसलिए फिर बिल्कुल मौका नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो बना पाती, थोड़ी सी बनाई थी बस, और मॉर्निंग में जो रितिका मैम के साथ बनाई थी वो। तो बस अभी तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक्चुअली मैं कल के ब्लॉग के साथ ही मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ क्योंकि कल कोई मैंने आउटरो तो किया ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। और आज है गुड फ्राइडे और हम लोग जैसे कि आप देख रहे पीछे ड्रेस व्रेस रखी हुई है। फिलहाल अभी तो मैं मानव के लिए नाश्ता बना रही हूँ, सिर्फ मानव के लिए क्योंकि आज गुड फ्राइडे फास्ट है। अमित नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें दवाई खानी होती है, मैं रख रही हूँ। तो आज चर्च है 12 से 3 बजे तक का, तो बस अभी नाश्ता बना के फटाफट से उसके बाद मैं फिर नहाने जा रही हूँ, उसके बाद जाएंगे तैयार होकर चर्च, टाइम से पहुँचेंगे। अमित भी जाएंगे मेरे साथ चर्च और शायद मानव भी चलेगा, देखते हैं। फिलहाल तो अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, उसको नाश्ता देती हूँ, मैं नहाने जाती हूँ, बाकी फिर जो भी काम करना है वो फटाफट से निपटाते हैं और फिर चलते हैं चर्च क्योंकि आज 12 से 3 बजे का चर्च लगता है। पूरे इंडिया में हर जगह चर्च इसी समय लगते हैं आज गुड फ्राइडे में, और आज कोई फेस्टिवल नहीं है,
जैसे कि आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि गुड फ्राइडे इज़ अ क्रूसीफिकेशन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो आज के दिन उनको क्रूसीफाई किया जाता है, और संडे है ईस्टर, तो ईस्टर पे वो दोबारा से जी उठे थे। तो पूरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ ताकि टाइम से तैयार होकर हम चर्च जा सकें। तो नहा धो के चर्च जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और मानव नहीं जा पा रहा है क्योंकि नीचे मम्मी के पास कोई नहीं है, नीचे ये लोग सारे जा रहे हैं, तो मम्मी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए मानव तैयार हो गया था पर फिर उसने कपड़े चेंज कर लिए, अब वो यहीं रुक रहा है और मैं और अमित जा रहे हैं चर्च। तो आज क्योंकि गुड फ्राइडे है तो सब लोग है ना क्या होता है बहुत लाइट कलर के कपड़े, कुछ लोग जो ज़्यादातर बड़े लोग हैं ना वो वाइट ही पहन के जाते हैं, वैसे तो होता ही है कि वाइट ही पहनते हैं, और लेकिन लाइट कलर भी पहन सकते हैं, अगर किसी के पास वाइट नहीं है तो वो क्या करेगा, फिर तो उसे कुछ और ही पहनना पड़ेगा ना, तो इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर चर्च में थोड़ा बहुत आपको वर्शिप का दिखा पाई तो ज़रूर दिखा पाऊँगी, वरना फिर मैं चर्च के बाद मिलूँगी। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, अमित भी रेडी हो गए हैं, तो चलिए हम चर्च चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो इसलिए मैंने सर्दी ली है, तो चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, चर्च पहुंच गए हैं और चर्च स्टार्ट ही हो गया क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो गया है, 12:30 से ज़्यादा ही हो रहा है, 40 हो गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो अंदर चलते हैं फटाफट से। तरह तरह के देवी देवता हम लोग बोलते हैं, तरह तरह के पाल रहे हैं, लेकिन केवल एक ही है मार्ग सत्य और जीवन, और ये इस अधिकार को जान चुका था, इसे पता चल गया था स्वर्ग का राज्य इसके हक में है और ये परमेश्वर है स्वयं, इसने इस बात को एक्सेप्ट किया उस समय। तो अभी अभी हम लोग चर्च से आए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एकदम से, होली के बाद से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि पूछे मत, बहुत हालत ख़राब हो रही है। चर्च बहुत अच्छा रहा और अब काफ़ी सारे लोगों से मिले हम लोग, और अभी फास्ट तो खोल लिया है चर्च के बाद ही, अभी खाना खाते हैं, बहुत ही भूख लग रही है, तो पहले मैं कपड़े बदलूँ, मुँह हाथ धो लूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अभी बाहर आई, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ फिर से, ये देखो कान लटके पड़े हैं दोनों, थोड़ा सा धीरे बोलूँ डर जाते हैं, ये देखो ये रहे, एक वाइट है और एक ब्लू है, एक वाइट है और एक ये वाले ब्लू की तरह है, पता नहीं कब बाहर निकलेंगे और रेड रेड आईज है, बहुत प्यारा लग रहा है। एक अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तीन बच्चे हैं, एक अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, बाकी ये दोनों बड़े हो गए हैं, तो हम नीचे से पानी भी हटा दिया, साइड में ही कर दिया, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ओहो तो अभी तो मैं अपने ये जो हमारे कर्टन थे इन्हें प्रेस कर रही हूँ, ये कल धोए थे और है ना सारे रिंकल्स हो गए इसमें, तो इसको प्रेस करके ठीक कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत देर हो गई मुझे प्रेस करते करते, और है ना आपको मेरे फेस पे ये इतनी शाइनिंग कैसे लग रही है पता है, ये सब इनका कमाल है, ये कर दोगा पूरे मेरे हाथ पे, ये देखो
पूरे हाथ पे हो रहे, ओ बाप रे, पूरे फेस पे हो रहे हैं, ये सब धोना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसमें से ना ग्लिटर निकल रहे हैं। ये देखो, ये पूरा बेडशीट पे भी पूरा लग रहा है, मेरे हाथों पे भी पूरा हो रहा है और फेस पे, मतलब मैं तो ग्लिटर में नहा ही गई हूँ अच्छी तरह से, बहुत बहुत ज़्यादा ग्लिटर, सब में ग्लिटर ग्लिटर हो रहा है इसका, तो अभी सारा साफ करना पड़ेगा, तो इन्हें प्रेस करूँ मैं। बहुत हल्के पे कर रखा है क्योंकि ये है ना कपड़ा कॉटन का तो नहीं है, बिल्कुल ही अलग है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसको। धीरे धीरे इसके सारे रिंकल्स निकाल रहे हैं। तो प्रेस का काम ख़त्म हो गया और आप देख ही रहे हैं ना पीछे मैंने अपने कर्टन्स को हैंग कर दिया है, और ना अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज खाने में बन रहे हैं, बना रही हूँ, बन नहीं रहे हैं, बना रही हूँ मैं न्यूट्री आलू, जो सोयाबीन ये वाला, ये मानव को पसंद है और वो उसको दूसरी वाली बड़ी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, तो यही बना रही हूँ मैं। मसाला फ्राई हो रहा है यहाँ पे, ये रहा, तो बस यही काम रह गया, उसके बाद फटाफट से मैं रोटी बनाऊँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब होली गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, वरना अभी तक तो हम लोग ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ रहे थे, यहाँ इतना ठंडा हो रहा था, लेकिन अभी एकदम से गर्मी हो गई, मुझसे बाल नहीं खोले जाते थे, मेरी जान निकल रही थी। ऊपर से ये पता नहीं आपको नज़र आएगा नहीं आएगा, पूरा मेरे फेस पे है ना अभी भी वो चमकीली चमकीली सी पूरी हो रखी है, पूरा यहाँ बॉडी पे, दोबारा नहाना पड़ेगा वरना ये इतना काट रही है ना बुरी तरह से, तो वापस से नहाना पड़ेगा, पर खाना बनाने के बाद नहा के आऊँगी मैं, क्योंकि ऐसे तो सोया भी नहीं जाएगा। तो जल्दी से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर नहा के आती हूँ, तभी आराम मिलेगा। तो डिनर हो गया है और अभी बस में बैठ के यहाँ, तो हम लोग मूवी देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया मूवी चल रही है और ये चमकीली पीछा नहीं छोड़ेगी, देख रहे हो आप, मतलब मूवी धो लिया है फिर भी उसके बाद भी चम 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 हो रहा है, आप सोच रहे होगे कितना मेकअप लगा के बैठी है क्या, पूरी शाइनिंग शाइनिंग हो रही है। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही है, आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है, कल हमारी केक सेरेमनी है और बाकी बच्चे भी आएंगे जिनकी केक सेरेमनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 ही बच्चे हैं ना जिनकी वेलकम सेरेमनी होनी है, बाकी तो बच्चे आएंगे और उनका वर्क भी होगा। और कल तो सैटरडे है, संडे ईस्टर है, और संडे मॉर्निंग की जो कैंडल लाइट सर्विस होती है वो भी होगी। और आज आपको मैंने ज़्यादा तो हमने चर्च में वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ी बहुत आपको दिखाई है, आपने देखा होगा ना चर्च में आज सब वाइट कपड़े, ज़्यादातर लोग वाइट ही पहन के आए थे क्योंकि आज गुड फ्राइडे है ना, तो इस वजह से ज़्यादातर प्रेयर मीटिंग में सब वाइट पहन के आते हैं, और अगर किसी के पास वाइट नहीं है तो वो लाइट कपड़े पहन के जाते हैं, लाइट कलर में, ज़्यादा मतलब मेकअप शेकअप करके नहीं जाते कोई भी। और मीटिंग चली थी हमारी कुछ 3-3:30 बजे तक की मीटिंग चली, उसके बाद रिफ़्रेशमेंट हुआ और कई लोगों ने फास्ट रखा होता है तो उसके बाद सब फास्ट खोल लेते हैं, जिससे मैंने और अमित ने भी खोल लिया था अपना फास्ट, और फिर घर आके हमने अपना खाना वगैरह फिर खाया था। तो अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहा। और संडे फिर चढ़ जाएंगे और इंतज़ार है संडे का, जल्दी से हम लोग सुबह में 4 बजे उठेंगे और फिर कैंडल लाइट सर्विस में जाएंगे और उसके बाद 10 बजे फिर चर्च लगेगा। तो मौका लगा तो ज़रूर मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब जो हम कैंडल लाइट सर्विस के लिए जाएंगे तो कैसे करते हैं क्या करते हैं वो हम आपको तभी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग, ये दोनों मिला के मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि कल ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, पेरेंट्स जो PTM थे हमारी उसके लिए भी ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स आ गए थे तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि इधर भी बात कर रहे इधर भी बात कर रहे, कोई यहाँ से कोई 4-4 पेरेंट्स बैठे हुए थे सामने ना, तो सोचा तो था कि वीडियो बना लूँगी पर ध्यान ही नहीं रहा उस समय, तो क्या कर सकते हैं अब। और फिर उसके बाद डेकोरेशन दिखाने का भी आपको मौका नहीं मिला, तो कल की मैं ऐसा करूँगी थोड़ी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी कि वहाँ हॉल में कैसी डेकोरेशन करी थी, जो अभी ख़ास तौर पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए करी थी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।